खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज, मैं आपके साथ दीपक। दिल्ली में वकीलों और पुलिस के बीच हुआ संग्राम लगातार बढ़ता चला जा रहा है। दिल्ली की जिला अदालतों में आज भी वकीलों की हड़ताल यूं ही जारी रहेगी और कामकाज ठप रहेगा। कल भी वकीलों ने दिल्ली की कई जिला अदालतों में जोरदार प्रदर्शन किया था। वहीं रोहिणी कोर्ट में दो वकीलों ने तो खुद पर पेट्रोल डालकर और इमारत पर चढ़कर खुदकुशी करने की कोशिश भी की थी। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। वहीं मंगलवार को दिन भर पुलिस का हंगामा जारी रहा, जिसके बाद देर शाम प्रदर्शन कर रहे पुलिसकर्मी काम पर वापस लौट आए। लेकिन इसके बाद बुधवार को वकीलों ने मोर्चा खोल दिया और रोहिणी कोर्ट के बाहर प्रदर्शन कर दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही वकीलों ने न्याय की मांग करते हुए वी वांट जस्टिस के नारे भी लगाए, जिसके बाद ये हड़ताल का सिलसिला आज यूं ही जारी है। राजधानी दिल्ली में खाकी और काले कोट वालों के बीच हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि आज भी दिल्ली की कई अदालतों में हंगामे के आसार बने हुए हैं। दिल्ली पुलिस के खिलाफ वकीलों का प्रदर्शन रुक नहीं रहा। वहीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मना करने के बावजूद भी वकील हड़ताल पर अड़े हुए हैं और कोई भी कदम पीछे खींचने के लिए तैयार नहीं। ऐसे में बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कहना है कि हड़ताल नहीं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। हालांकि बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से बनाई गई कमेटी मामले की जांच जारी रखेगी, साथ ही मीडिया रिपोर्टिंग पर भी किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लगेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि केवल दो मुकदमे जो उस दिन तक दर्ज हुए थे उसको लेकर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन उसके बाद अगर कोई FIR दर्ज हुई है तो उस पर दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर सकती है। अब देखना ये होगा कि कालीकोट और खाकी के बीच ये हड़ताल का सिलसिला कब खत्म होगा, या फिर वकीलों और पुलिस के बीच ये संग्राम यूं ही जारी रहेगा और आम जनता यूं ही पिसती रहेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।